या हाय ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लास्ट वीडियो. ये रिमिक्स पे मेरी सेकेंड वीडियो है. फर्स्ट वीडियो में मैंने रिमिक्स के बारे में बेसिक बताया था और बताया था कि हम रिमिक्स का एक मीटअप स्टार्ट कर रहे हैं, रिमिक्स मीटअप इंडिया. सो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी रिमिक्स ओपन सोर्स हो चुका है, सो एनीबडी कैन कॉन्ट्रीब्यूट और एनीबडी कैन यूज़ इट फ्री ऑफ कॉस्ट. सो आपको आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेगा. बिकॉज इनको फंडिंग मिल गया तो देन दे हैव डिसाइडेड कि इसको हम ओपन सोर्स कर देते. सो रिमिक्स का ये डॉक है. ओके, सो ये क्विक स्टार्ट है. लाइक आपको क्विकली लर्न करना है कि रिमिक्स क्या होता है, कैसे हम एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं. और आपको फुल फ्लैश्ड लर्निंग चाहिए. तो आप जैसे आप एक जो कैप इन्होंने बना रखा है, आप उसको डीप ड्राइव कर सकते हो और उसमें आप लर्निंग कर सकते हो. ये एपीआई के बारे में बता रखा है और ये पैकेज एपीआई के बारे में इन्होंने बता रखा है. और ये रिपोजिटरी है और डिस्कॉर्ड चैनल है. ये रिमिक्स है, डिस्कॉर्ड चैनल है. लाइक आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई हेल्प चाहिए हो, तो आप यहाँ पर आके अपने क्वेश्चंस या फिर हेल्प्स पूछ सकते हो. ओके एंड या सो आज हम रिमिक्स का राउट्स के बारे में देखने वाले हैं. सो मैं वन बाय वन ट्राई करूँगा कि सभी रिमिक्स के जितने भी फीचर्स हैं वो कवर करूँ. तो इस वीडियो में मैं रिमिक्स के राउट्स के बारे में बताने वाला हूँ. एंड देन उसके पहले मैं आपको एक पहले हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसके उसमें मैं रिमिक्स हम राउट्स के बारे में बताने वाला हूँ. ओके एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टाइल्स के बारे में बताने वाला हूँ. और गोइज ऑन मीन्स मैं डिफरेंट डिफरेंट्स जो फीचर्स हैं रिमिक्स के वो कवर करने की ट्राई करूँगा. एंड देन फिर हम इन द एंड फिर हम एक फुल फ्लैश्ड ऐप बनाने वाले हैं. ओके, जिसमें ऐप में लाइक सब फीचर्स होंगे जो हम कवर करेंगे. जैसे मैंने रिएक्ट का ट्यूटोरियल बनाया था, सेम लाइक मैं रिमिक्स का ट्यूटोरियल बनाने की ट्राई करूँगा. और गाइस, मैं प्रीटी न्यू हूँ इस मैं खुद से लर्न कर रहा हूँ रिमिक्स. एंड देन आपको मीन्स अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ. तो मे बी मैं कुछ मिस्टेक कर सकता हूँ, सो प्लीज़ बियर विद मी. अगर आपको लगे कि हाँ ये कुछ मिस्टेक है, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट करने की ट्राई करूँगा. सो अभी आपको जैसे एक रिमिक्स का प्रोजेक्ट बनाना, तो कैसे बनाओगे? ये इन्होंने कमांड दी हुई है, तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है. जस्ट यहाँ पर ये कमांड है, ये रन कर देनी है. फिर ये आपसे पूछेगा कि मींस प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा और कुछ कुछ आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेगा. तो आपको जस्ट वो इन्फॉर्मेशन देनी है. तो जस्ट मैं आपको मीन स्टार्टिंग से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भी पता लगे कि हाँ, हम बिल्कुल फर्स्ट लाइन ऑफ कोड से कैसे हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं. और ये देखो, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या रहेगा. जैसे मैं बोलता हूँ रिमिक्स रहेगा. ओके, तो ये अब ये पूछ रहा है कि आपको डिप्लॉयमेंट सर टारगेट क्या रहेगा. तो आप जैसे यहाँ पर डिफरेंट डिप्लॉयमेंट टारगेट हम आप प्रोवाइड कर सकते हो. बट जैसे मैं डमी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो रिमिक्स ऐप सर्वर का. और फिर आपको प्लेन जावास्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट, तो मैं ऑलवेज टाइप स्क्रिप्ट प्रेफर करता हूँ. ओके एंड मीन्स अब आपको एनपीएम इंस्टॉल करना है. यस ओके, तो ये कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. सो वो बोल रहा था कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. जस्ट अपन अभी इससे ट्राई करते हैं. एंड देन टाइपस्क्रिप्ट. सो अभी ये एनपीएम इंस्टॉल करेगा एंड फुल लाइक एक पूरा प्रोजेक्ट अपने को बना के दे देगा. देन फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन सी फाइल, पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है. मैंने फर्स्ट वीडियो में भी ट्राई किया है, बट अभी इस वीडियो में थोड़ा और एक बार ट्राई कर एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप यूज टू रहें चीज़ों के. सो ये प्रोजेक्ट बन गया. एंड लाइक इसमें राउट्स, स्टाइल्स, एंट्री डॉट क्लाइंट, एंट्री डॉट सर्वर, रूट, पब्लिक फोल्डर, ये सब हैं. और जैसे मैं
क्या करते हैं, सबसे पहले बिल्ड करते हैं। ये बहुत, ये कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर बना लिए, लाइक जैसे कैस बना लिया, डॉट कैसे फोल्डर बना लिया। तो ये रिमिक्स के द्वारा यूज किया जाता है फॉर कैसे पर्पस, ओके। और आप अगर गिट इग्नोर में देखोगे तो ये सब चीज़ें को इन्होंने इग्नोर कर दिया था कि आप अपने जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, लाइक आप जहाँ पर npm पे डालने वाले हो, गिट लैब पे डालने वाले, तो वो वहाँ पर ना जाए। जस्ट ये लोकल डेवलपमेंट के पर्पस से है, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक बिल्ड फोल्डर देखोगे, ये यहाँ पर पूरा फ्रंट एंड, नहीं सॉरी, ये बिल्ड फोल्डर में पूरा बैक एंड लाइक सर्वर साइड कोड होता है, एंड फॉर पब्लिक एंड बिल्ड में फ्रंट एंड साइड का कोड होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये सब इन्होंने मीन्स मैंने क्या किया है ना, मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ था कुछ की पॉइंट्स, सो ताकि आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ और आपके लिए इजी भी जाए वो। तो आप देखोगे अगर यहाँ पर एंट्री डॉट क्लाइंट डॉट टी एस एक्स फाइल है, ओके, यहाँ पर क्या करता है, रिमिक्स हाइड्रेट करता है रिमिक अपने जो रिएक्ट प्रोजेक्ट को, ओके। और जो या आप ये देखोगे फर्स्ट बिट ऑफ जावास्क्रिप्ट डेट रन व्हेन द ऐप लोड इन द ब्राउजर, सो ये फर्स्ट बिट ऑफ कोड है जो रन होगा जब रिमिक्स स्टार्ट होगा इन द ब्राउजर में, ओके। जब हमारा लाइक फर्स्ट बिट ऑफ जावास्क्रिप्ट डेट रन व्हेन द ऐप लोड इन द ब्राउजर, जब हमारा ऐप ब्राउजर में लोड होगा तो जो ये है फर्स्ट बिट हाइड्रेट करेगा उस चीज़ को, ओके। एंड मैंने हाइड्रेट के बारे में भी लिख रखा है कि अगर आपको हाइड्रेट क्या मींस, हाइड्रेट का मीनिंग क्या, जैसे हम नॉर्मल जो क्लाइंट साइड का जो प्रोजेक्ट बनाते हैं नॉर्मल हम रिएक्ट पे, वो उसमें हम क्या करते हैं, रेंडर करते हैं, ये भी सेम है, जस्ट इज यूज टू हाइड्रेट अ कंटेनर हुज लाइक एचटीएमएल जो कंटेंट है वो रिएक्ट डोम सर्वर, लाइक जो रिएक्ट डोम सर्वर API है अगर उसके थ्रू रेंडर किए गए हैं तब हम उसको हाइड्रेट करते हैं। तो सेकंड है हमारा एंट्री डॉट सर्वर, इसमें हमारे हैंडल रिक्वेस्ट है एंड यहाँ पर हम और कंटेंट ऐड कर रहे हैं और इन द हैंड हम क्या कर रहे हैं, रिस्पांस को रिटर्न कर रहे हैं, ओके। सो अब इसका देखते हैं हम, इसका मीनिंग क्या हुआ, एंट्री डॉट सर्वर डॉट ये, और ये सर्वर साइड की फाइल है, ओके। फर्स्ट बिट ऑफ जावास्क्रिप्ट है डैट विल रन व्हेन अ रिक्वेस्ट हिट्स योर सर्वर, मीन्स जब फर्स्ट टाइम आपके सर्वर को लाइक हिट होगी रिक्वेस्ट तो इस फाइल से हिट होगी। और जो रिमिक्स हैंडल करता है ऑल द नेसेसरी डाटा एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग बैक द रिस्पॉन्स, सो यहीं से हम क्या करते हैं, रिमिक्स क्या करता है, पूरे डेटा को हैंडल करता है, कंटेक्स्ट बनाता है और उसके बाद अपने को क्या करता है, रिटर्न कर देता है रिस्पॉन्स को। देखो आप ये रिमिक्स कंटेक्स्ट भी है यहाँ पर और इन द एंड ये क्या करता है, रिटर्न कर देता है हमारे रिस्पॉन्स को। ये जावास्क्रिप्ट का जो फीचर है रिस्पॉन्स क्रिएट करने का, तो वो है, ओके। एंड वी विल यूज दिस फाइल टू रेंडर आवर ऐप टू स्ट्रिंग स्ट्रीम एंड सेंड देम एज ए रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट, और हम क्या करते हैं यहाँ पर इस फाइल का यूज करते हैं, जैसे हम यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड करते हैं क्लाइंट को एंड और स्ट्रिंग स्ट्रीम करने में हमारी हेल्प करता है, ओके। उसके बाद है हमारा रूट लेवल, तो अगर आपको और जैसे आपको ये देखना है ना, ये डिफॉल्ट फीचर है रिस्पॉन्स क्रिएट करने का जावास्क्रिप्ट का, अगर आपको इसके बारे में देखना है, यहां पर आपको लाइक मिल जाएगा कि जैसे हम एक रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकते हैं, ये प्लेन लाइक प्लेन वेब APIs हैं, ओके। सो रिमिक्स ने वही वेब APIs को मींस यूज किया, डिफॉल्ट जो वेब API ऑलरेडी हैं, और रिमिक्स क्या करता है मींस वेब APIs को यूज कर रहा है, प्लेन जावास्क्रिप्ट के और HTML के फीचर्स को यूज कर रहा है, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट रिएक्ट इज आल्सो यूजिंग, ओके। ये रूट लेवल है हमारा, लाइक ये कंपोनेंट है रूट लेवल पे, जो सबसे पहले हमारा राउट्स क्रिएट होता है वो रूट लेवल का हमारा राउट क्रिएट होता है, ओके। सो दिस इज रूट लेवल कंपोनेंट फॉर आवर ऐप एंड वी रेंडर द HTML एंड मी जो HTML हम रेंडर करते हैं वो यहाँ से रेंडर करते हैं, देखोगे ना, ये देखो वहाँ पर है,
तो फर्स्ट बिट तो हम एचटीएमएल, प्लेन एचटीएमएल रेंडर करते हैं, वो यहां से हम रेंडर करते हैं। ओके जो फर्स्ट बिट ऑफ जो फर्स्ट बिट ऑफ एचटीएमएल है हम ये रूट लेवल पे रेंडर करते हैं, और यही हमारा मेन मेन फाइल है। ओके जैसे जैसे कोई भी एरर आता है, ये मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ कि जैसे कोई भी सपोज एरर रेंडर होता है तो फर्स्ट टाइम पे ये एरर एरर बाउंड्री ट्रिगर होती है। सपोज अगर आपने मीन्स एरर बाउंड्री का एक फुल फ्लैश टॉपिक है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट आप इतना अंडरस्टैंड कर लीजिए कि रूट ये रूट लेवल पे होती है। ओके यहाँ पर लाइक हम जिस सी एस एस हम रेंडर कर सकते हैं, जो भी हम जैसे सपोज हमने ये सी एस एस रेंडर की है तो इंक्लूड की है, तो ये पूरे प्रोजेक्ट पे रहेगी ये सी एस एस। ओके और जो ये एरर बाउंड्री है ये भी पूरे प्रोजेक्ट पे रहेगी। सपोज अगर एरर को हम क्या कर सकते हैं, रिमिक्स के अंदर हर राउट का अपना खुद की एरर बाउंड्री हो सकती है, बट अगर आपने सपोज हर राउट की नहीं दी, अगर आपने रूट लेवल पे दे दी तो ऑलवेज ये एरर बाउंड्री रूट लेवल की कॉल होगी। सो ये कैच बाउंड्री है, ये मीन्स मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, अभी इसको आप अवॉइड करो। एंड ये डॉक्यूमेंट मीन्स डॉक्यूमेंट इसलिए बनाते हैं हमने क्योंकि जब एरर आ जाए तब भी हमको रेंडर करना होता है एचटीएमएल और प्लेन पे भी। ओके ये मेटा टैग्स हैं, मेटा टैग्स मीन्स जब मेटा टैग्स होते हैं ना एचटीएमएल में, तो वो रेंडर करने में हमारी हेल्प करता है। लिंक्स लाइक हमारा जो सीएसएस हम इंक्लूड करते हैं उसके लिए यूज होता है। ओके एंड स्क्रिप्ट हमारी, अगर हमको जावा स्क्रिप्ट को यूआई पे रेंडर मीन्स इंक्लूड करना है तो स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट जो रिएक्ट ने मीन्स रिएक्ट ने सॉरी रिमिक्स ने इंक्लूड किया इसको स्क्रिप्ट्स को। एंड ये जब जस्ट लाइव रीलोड का मीनिंग हो गया कि जैसे हम कुछ चेंजेस करें तो वो यूआई पे रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसके लिए हमारा। सो एप्स डॉट राउट्स के अंदर हम सभी राउट्स क्रिएट करते हैं, मैं आपको वन बाय वन अभी एक एग्जांपल से हम देखने वाले हैं। पब्लिक के अंदर ऑल द स्टैटिक एसेट आ जाते हैं लाइक इमेज फॉन्ट जो आपको ऐड करने हैं। रिमिक्स डॉट कन्फिग डॉट जे एस के अंदर हमारा कन्फिग्रेशन आती है रिमिक्स की। ओके सो ये कन्फिग्रेशन आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। एंड हाइड्रेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। डॉट कैसे फाइल है, इंटरनली यूज की जाती है रिमिक्स के द्वारा। और जो बिल्ड है दी डायरेक्ट कंटेन ऑल सर्वर साइड कोड। ओके जो बिल्ड है ना ये बिल्ड दिस वन, ये सर्वर साइड कोड इसके अंदर होता है, और पब्लिक बिल्ड के अंदर है उसके अंदर क्लाइंट साइड कोड होता है, और गेट इग्नोर मीन्स जब आपको इग्नोर करना है। और अगर आपको राउट्स देखने हैं तो npm रिमिक्स राउट्स कमांड है, उसके थ्रू हम देखेंगे वो दिखा। सो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके तो अभी रिमिक्स 300 पे मींस ये लोकल तो अब हम हमारा मेन मेन टास्क है राउट्स क्रिएट करने का, तो उसको हम क्रिएट करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ ना, इसको सभी को रिमूव कर देता हूँ ताकि ये मींस ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। एंड यहाँ एरर बाउंड्री को रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स को भी रखते हैं, लेआउट्स को। सो इसको मैं क्या करता हूँ, लेआउट को निकाल देते हैं। लोगो है बिकॉज हमारा टारगेट है सिर्फ हमको
क्राउड्स को समझना ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना करें. ओके सो अभी हमारा पेंडिंग ही रहेगा सिर्फ ये टाइटल रेंडर हो रहा है. सेट पे क्राउड्स तो एवरीथिंग इज क्लीन. नाउ सबसे पहले हम अभी रिएक्ट रिमिक्स क्या लेके आया है, रिमिक्स लेके आया है कि फोल्डर बेस लाइक फाइल बेस राउट्स को क्रिएट करते हैं हम. ओके अब कैसे करते हैं तो इन्होंने क्या किया है मीन्स हमको क्या करना है राउट्स एक फोल्डर बनाना है उसके अंदर हम फाइल्स और फोल्डर बनाएंगे जिसके बिहाफ पे ये अंडरस्टैंड करेगा कि ओके कौन सा राउट क्रिएट करना है और हम कैसे चेक कर सकते हैं कि अभी करंट कौन सा राउट है. npx remix routes. ओके सो देखो आप हम क्या करते थे ना हम जो हमारे जो प्लेन जावास्क्रिप्ट के लाइक रिएक्ट के जो हमारे प्रोजेक्ट हैं हम अपने खुद से वो राउट क्रिएट करते थे. बट रिमिक्स अभी क्या बोलता है कि तुम फोल्डर स्ट्रक्चर में बता दो और हम खुद से क्रिएट कर देंगे तुम्हारे लिए. इंटरनली वो भी यही कर रहे हैं बट वो फोल्डर स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करके कर रहे हैं. सो जैसे करंट राउट क्या है हमारा राउट फाइल ये मीन स्लैश जो बेस राउट है वो है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे तो इसके अंदर हमारा ये इंडेक्स राउट हो गया हमारा. ओके और चाइल्ड राउट को हमको इंक्लूड करने के लिए हम क्या करते हैं जैसे ये हमारा पेरेंट राउट हो गया. ओके और इसके अंदर जो भी चाइल्ड आएंगे वो हमको यहाँ पर लाइक इस डॉक्यूमेंट के आउटलेट के अंदर अपने को ये आउटलेट क्या है अभी रिएक्ट राउटर में 6th वर्जन में आया ये आउटलेट इस ये क्या करता है मीन्स अगर आपने ये इंक्लूड कर दिया तो इसका मीनिंग है जो उसके चाइल्ड कॉम्पोनेंट्स हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे. तो अभी मैं क्रिएट करता हूँ और डिफॉल्ट राउट. टॉप इंडेक्स राउट आ गया मीन्स जो हम यहाँ पर ये क्या बन गया हमारा ये रूट हमारा पेरेंट हो गया और उसके अंदर इंडेक्स हो गया. ये देखो रूट ये आप कमांड रन करते रहो और आपको पता लगता रहेगा कि कौन कौन से राउट्स हमारे कैसे क्रिएट हो रहे हैं. देखो ये सबसे पहले हमारा रूट राउट बना उसके अंदर मेरा इंडेक्स राउट मीन्स स्लैश वाला राउट बना स्लैश वाला राउट मेरा ये बन गया. ओके अभी इसके बाद हम बनाएंगे वन मोर राउट इज इस राउट. सो अगेन अब मैं क्या करता हूँ जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको एंड इसका नाम चेंज कर देता हूँ. इस राउट हो गया मेरा ये ये देखो अभी जो मेरा गिस्ट राउट है वो कॉल हो गया. अब मैं देखूंगा अब देखो पहले मेरा इंडेक्स राउट हो गया सेकंड मेरा राउट हो गया गिस्ट राउट सॉरी ये गिस्ट राउट हो गया ये इंडेक्स राउट. ओके सो ये बेनिफिट्स हैं हमारे. अभी हम नेक्स्ट क्रिएट करेंगे हम अभी हम क्या करेंगे गिस्ट राउट क्या करेगा हमारा के बाद हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे लाइक गिस्ट के अंदर आईडी लाइक गिस्ट राउट पहले हम सपोज 1 2 3 हो गए. ओके उसके अंदर भी गिस्ट 1 गिस्ट 2 गिस्ट 3 होते हैं जैसे हमारी पोस्ट होते हैं पोस्ट 1 पोस्ट 2 वो अब हम रेंडर लाइक डायनेमिक राउट्स कैसे क्रिएट करेंगे. ओके सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा डेटा रेंडर कर लेते हैं ताकि आपको फिर समझ आए.
मिस गेस्ट हमारा कुछ डेटा रहेगा, उसको हम हमने एक डम्मी डेटा लेंगे और उसको रेंडर करेंगे। डेटा बनाएंगे description is रेडी हो गया मेरा डेटा, जमी डेटा मैंने बना लिया। अब रिमिक्स के अंदर हम जो डेटा है ना, लाइक ये मेरे पास सर्वर साइड डेटा है, ओके लाइक हम मेरे पास एपीआई से डेटा आना है, तो रिमिक्स के अंदर हम कैसे डेटा लोड कर सकते हैं? लोडर के थ्रू हम डेटा लोड कर सकते हैं। तो ये सपोज ऐसे एज्यूम करो कि डेटा मेरे पास बैकएंड से आ रहा है एंड ये डेटा मैं मींस लोड कर रहा हूँ फ्रॉम द बैकएंड, और इस डेटा को मैं अपने कंपोनेंट में कैसे ले सकता हूँ? रिमिक्स ने क्या किया, एक हुक बना दी है, उसका नाम है यूज लोडर डेटा एंड किस टाइप किया वो डेटा मेरा इस टाइप का। अब हम साथ के साथ टाइपस्क्रिप्ट भी कर रहे हैं ताकि हमको पता लगता रहे किस टाइप का हमारा डेटा है। अब ये डेटा आ गया, डेटा में क्या आ गया हमारे सभी गेस्ट आ गए और इसको जस्ट यूआई पे हम रेंडर कर देंगे। जस्ट मैं अभी क्या कर रहा हूँ, रेंडर कर रहा हूँ डेटा को। ये रिमिक्स से लिंक ले रहा हूँ और टू में क्या कर रहा हूँ, जस्ट जो आईडी रहेगी मेरी, ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन देखते हैं। यूआई पे देखो ये रेंडर हो गया, ओके। तो लोडर के थ्रू हम डेटा को गेट करते हैं, ओके, और एक एक्शन रहेगा, एक्शन के थ्रू हम म्यूटेशन करते हैं, लाइक डिलीट, ऐड करना, जैसे फॉर्म का डेटा को बैकएंड पे पास करना। तो अभी हम लोडर के थ्रू हमने क्या किया, बैकएंड से डेटा ले लिया, ये जस्ट डमी डेटा है, एज्यूम करो कि बैकएंड से आ रहा है एंड ये हुक बना दिया उन्होंने, ओके। सो उसके थ्रू हम डेटा फेच किया हमने, ये लोडर का जो डेटा है हमने हमारे पास आ गया और उसको जस्ट यूआई पे रेंडर कर दिया, सिंपल एज दैट, ओके। और जो इसके चाइल्ड कंपोनेंट होंगे वो हम यहाँ पर रेंडर करेंगे। जो भी इसको जो इस राउट के चाइल्ड कंपोनेंट होंगे वो हम किस में रेंडर करेंगे, यहाँ पर रेंडर करेंगे, ओके। तो अब जैसे क्या होगा, यूज़र अभी ये लिंक बन गया, जैसे यूज़र 1 2 3 करेगा, अभी क्या अनहैंडल राउट आ रहे हैं, हमको इसको हैंडल करना पड़ेगा, राइट। तो कैसे करेंगे, अब हम
एक फोल्डर बना लेंगे किस्ट का, क्योंकि इसके अंदर अब हम चले स्लैश गिस स्लैश वन टू स्लैश गिस स्लैश टू स्लैश गिस स्लैश थ्री। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फोल्डर बनाना पड़ेगा। इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, इंडेक्स टू टी एस एक्स। ओके, सो वो क्या करेगा, वो नथिंग एल्स जस्ट हमको किस्ट इंडेक्स राउट जो हमारा बना है ये तो नहीं करेगा अभी वो। ये इंडेक्स राउट आ गया, मीन्स उसका चाइल्ड जो अभी यहाँ पर हम चाइल्ड कर रहे थे ना, ये वाली चीज है, ये चाइल्ड रेंडर हो गया यहाँ पर। अब इसका हम देखेंगे राउट। देखो अभी पहले हुआ रूट लेवल, रूट लेवल सबसे टॉप हो गया, उसके बाद हमारा बना गिस्ट, गिस्ट के अंदर मेरा बन गया इंडेक्स। ओके, और जो राउट का इंडेक्स है वो अलग है। अब इसी के अंदर हम बनाएंगे डायमनिक कॉम्प, डायमनिक राउट बनाएंगे। तो डायमनिक राउट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डॉलर देना पड़ेगा, डॉलर गिस्ट आईडी टीएसएक्स। ये डॉलर क्या करेगा, मीन डायमनिक बनाएगा गिस्ट आईडी, गिस्ट आईडी लाइक पैरम्स नहीं होते हैं जो हमारे, एज्यूम करो कि गिस्ट आईडी हमारे एक पैरम बन गया। पैरम में क्या आएगा हमारे, ये 1 2 3 आएगा, ये 1 2 3 आएगा, जैसे ये 1 2 3 ऐसे आने हमारे पास। ओके, सो फिर इसके लिए अगेन अपने को क्या करना पड़ेगा, फिर इसका फंक्शन लिखना पड़ेगा हमको, फंक्शन गिस्ट बाय आईडी एंड अगेन। ये हमारे पास डेटा कैसे आएगा ये मैं बाद में देखते हैं, से पहले हमको रिटर्न करना पड़ेगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, जैसे अपने को सर्वर से डेटा लेना है तो किस में करेंगे, हम लोडर में करेंगे, राइट। सो फिर हम एक लोडर लिखेंगे, लोडर फंक्शन, ये रिमिक्स से आने वाला है। और जो पैरम्स हैं वो यहाँ पर पैरम्स मिल जाएंगे। ओके, एंड जस्ट हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे जो हमारे पास किस डेटा है, राइट, उसमें हम फिल्टर लगा देंगे, जस्ट फिल्टर। आईडी पैरम स्टोर गिस्ट आईडी, गिस्ट आईडी मीन्स जो हमारी, ये रिटर्न कर देगा। तो अभी क्या होगा, मीन जो भी आपने सेलेक्ट किया लाइक 1 2 3 किया है, वो एरे में से हमको फिल्टर करके वो डेटा अपने को रिटर्न कर देगा, और वो डेटा हमारे को यहाँ पर मिल जाएगा, इससे आएगा हमारे पास यूज लोडर डेटा। किस टाइप का होगा, किस टाइप का, ठीक है, और जस्ट यहाँ पर आईडी डिस्क्रिप्शन को आप कर दो, डिस्क्रिप्शन कुछ तो मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक्स मेरे को लग रहा है ये मैच नहीं हो गया। ठीक
डेटा सही नहीं आ रहा हमारे पास, तो उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे हमारे पास रीजन हो सकता है, हमको देखना पड़ेगा कि ये हमारे पास पैरम सही आ रहा है। पैरम सही आ रहे हैं, हमारा टारगेट रहेगा ये सर्वर साइड है ना, ये देखो गेस्ट आईडी आ रही है मेरे पास 3 आ रही है राइट। और मैं इसको क्या आप देख रहे हैं, अब मेरे को देखना है ये डेटा कैसा, ओ, ये फिल्टर ये हम फिल करते हैं, वो एरे में आ रहे हैं मेरे पास, सॉरी फाइंड तो ये आ गया 1 2 3। तो ये मेरा देखो पहला राउट बना मेरा स्लैश राउट, ठीक है, सेकंड राउंड बना मेरा गेस्ट राउट, थर्ड राउट बना मेरा एडिट, नहीं सॉरी थर्ड राउट बना मेरा डायनेमिक राउट लाइक आईडी, जैसे हम यहाँ पर सपोज एक ब्लॉक्स हम वो करते हैं रेंडर करते हैं, तो हमारे पास लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, देन हम 1 बाय 1 ब्लॉक्स को हम रेंडर करते हैं राइट। तो जैसे ये लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स हो गए मेरे पास, और जैसे फर्स्ट ब्लॉक रेंडर कर रहा हूँ, सेकंड ब्लॉक रेंडर कर रहा हूँ, थर्ड ब्लॉक रेंडर कर रहा हूँ, तो ये ब्लॉक हमारे पास रेंडर हो रहे हैं, तो ये चीज़ हो गई ओके। तो लोडर के थ्रू हम डेटा को गेट करते हैं, और हम कैसे बनाते हैं, और अब हम चेक करेंगे कि कैसे हमारे राउट्स बने। तो आप यहाँ पर आके अपने राउट्स को चेक कर सकते हो कि कैसे कैसे हमारे राउट्स बन चुके हैं। सो ये बहुत सिंपल वे है राउट्स को क्रिएट करने का और चेक करने का कि कैसे कैसे मेरे राउट्स को बन चुके हैं ओके। सो नेक्स्ट वन एक और है, जैसे सपोज आपको यहाँ पर एक और राउट चाहिए, सपोज यहाँ पर आपको एडिट चाहिए, मीन्स आपको 3 नंबर लाइक ब्लॉक पोस्ट गेस्ट होगा, इसको एडिट करना है ओके। अगर अभी तो अनडिफाइंड है, हम इसको बड़े सिंपल वे से हम क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट डॉट एडिट, तो अभी ये क्या करेगा ये देखते हैं, देखो एक और राउट बना देगा, ये वो राउट क्या बनेगा, कोई भी डायनेमिक आईडी आगे उसका स्लैश आ जाएगा ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या एडिट राउट हो जाएगा, और देखो इसको रिफ्रेश करता हूँ, गेस्ट एडिट राउट होगा सिंपल, इतना इजी है ये राउट्स को क्रिएट करना राइट। तो पहले हम क्या करते थे, अभी हम जो फोल्डर स्ट्रक्चर है ना हमारा, उसके बिहाफ पे हम राउट्स को क्रिएट कर सकते हैं, और इसका एक डॉक है काफ़ी अच्छा, अगर आपको राउट्स के बारे में स्टडी करना है, तो ये राउटिंग से रिलेटेड हो गया ओके। नेस्टेड राउट्स का बड़ा अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया है, एंड में तो ये जैसे आप कर सकते हो, बट नेस्टेड राउट्स को आप देख, जैसे मैंने आपको नेस्टेड राउट बताया ना, जैसे हमने जो क्रिएट किया नेस्टेड राउट हो गए ना, ये 1 2 4 लेवल के नेस्टेड राउट्स हो चुके हैं, उसमें एक डायनेमिक राउट भी है ठीक है। तो जैसे ऐप राउट्स इनवॉइस स्लैश आई डी, आई मीन्स डॉलर अगर आपने लगाते तो डायनेमिक बन जाएगा वो तो जैसे इनवॉइस हो गया, जैसे हमारे गेस्ट हो गए, गेस्ट के अंदर हमारे डायनेमिक थे, जैसे स्पेस सेम लाइक दिस। एंड ये देखो जैसे हम स्लैश होता है तो हमारा क्या बनता है इंडेक्स, जैसे मैंने इंडेक्स डॉट टी एस एक्स बनाया था, स्लैश इनवॉइस जैसे मेरा गेस्ट हो गया तो गेस्ट राउट हो गया। और उसके बाद इन्होंने एक और बना रखा है इनवॉइस स्लैश लेट, तो इन्होंने क्या कर रखा है, इनवॉइस के अंदर एक फोल्ड मीन्स इनवॉइस एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर लेट डॉट जे एस फाइल बनाई है सेम लाइक मी। तो जैसे हम भाई हमारा गेस्ट डॉट 1 2 3, तो
राउट्स के अंदर इनवॉइस एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर डॉलर आईडी, जैसे हमने डॉलर गिस्ट आईडी बनाई है, ओके। और ये जैसे ये एडिट बनाया हमने, बनाया ना गिस्ट डॉट एडिट डॉट जे एस, और ये 404, अगर आपको 404 भी बनाना है तो आपको क्या करना है, रूट लेवल पे आपको बनाना पड़ेगा 404.sx। तो 404 के लिए आप क्या करो, जस्ट 404 आउट बन गया, एंड फोर ओ फोर राउट मीन्स जो मैंने राउट बनाया, इसमें आप अपना डेटा रेंडर कर सकते हो। और अब मेरे को देखना है, ये देखो एक राउट इंडेक्स बनाया है, एक 404 राउट बन गया, ओके कूल, इजी है ना। और जैसे इनवॉइस डॉट स्लैश न्यू बनाना है तो आप डायरेक्ट भी बनाए इनवॉइस डॉट डॉट न्यू डॉट जे एस। तो ये मीन्स इन्होंने क्या किया, डिफरेंट फोल्डर स्ट्रक्चर बना दिए, ओके। उसके थ्रू हम राउट्स क्रिएट कर सकते हैं, लाइक फोल्डर बना लो, फिर इंडेक्स डॉट जे एस बना लो, फिर उसके अंदर फाइल बना लो, उस बिहाफ पे हम राउट्स क्रिएट करते हैं। और ये बड़ा एक बहुत अच्छी कमांड दी है रिमिक्स ने, npm रिमिक्स राउट्स। सो ये आपको आपके करंट राउट्स बता सकते हैं, उस बिहाफ पे आप चेंजेस कर लो अपने। तो ये बहुत तो हम बोल सकते हैं ये बहुत इजी है ये क्रिएट करना, राइट। सो गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट है, ये बहुत लंबी वीडियो बन गई है, अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो, ओके। एंड प्लीज़ रिमिक्स का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्कॉर्ड चैनल एंड मीटअप ज्वाइन कर लीजिए। और एवरी मंथ हम एक मीटअप करते हैं, हमारी लास्ट मीटअप हो चुकी है, आप यूट्यूब पे लिंक देख सकते, वीडियो देख सकते हो लास्ट वीडियो की, लास्ट मीटअप का। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो स्टाइल्स पे बनाने वाला हूँ, जैसे हम स्टाइल, जैसे हमारी CSS फाइल्स होते हैं, हम कैसे डायनेमिक लोड करेंगे, ओके। डायनेमिक लोड करने का मीनिंग हो गया कि जैसे अभी हमारा गिस्ट राउट था, ठीक है, उसके अंदर हमारे कैसे हमारी CSS लोड होगी रूट लेवल पे, लाइक ऑल द राउट्स और ऑल फुल प्रोजेक्ट पे हम कैसे हमारी स्टाइल लोड होगी, और डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो राउट्स हैं उसकी अपनी खुद की CSS कैसे लोड होगी, तो हम ये देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।